हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेएनबी क्लासेस में। पिछली क्लास में बात किया था इंटरेस्ट कैलकुलेशन, सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से टैली में हम रिसीव कर सकते हैं, उसकी हमने एक एंट्री की थी। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको देखें। एक बार हम रिवाइज करते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में हमने एक पर्सन था जिसका नाम था राज, जिससे हमने 50,000 रुपये उधार लिए थे। ठीक है, समझने के लिए हमने माना था 10% ब्याज पर। ठीक, फिर उसके बाद जब एक मंथ हुआ तो हमने चेक किया कि हमारा ब्याज कितना कैलकुलेट हुआ। कैलकुलेटर तक हमने देख लिया, हमने मान लिया, मान लो 5,000 कैलकुलेट हुआ था। अभी हम रिपोर्ट्स में चेक कर लेंगे कितना हुआ। तो हमने किसी से 50,000 रुपये उधार लिए, याद हो तो राज को हमने रखा था लोन्स एंड लाइबिलिटीज में, और क्यों रखते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में। तो राज से हमने पैसे उधार तो ले लिए और उस पर ब्याज भी हमने लगा दिया और ब्याज हमें दिख भी गया। अब आगे की प्रोसेस ये है कि अब मान लो राज को हम भुगतान करना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपके मन में आएगा कि हम डायरेक्ट पेमेंट वाउचर में जाएंगे, राज का नाम एंटर करेंगे, उसका अमाउंट टाइप करेंगे 55,000, क्यों 50,000 प्लस 5,000, और फिर हमारे हाथ से क्या गया, कैश या फिर बैंक अकाउंट चूज करेंगे और 55,000 में एंट्री कर देंगे। ठीक है ना। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जैसे हम ये वाली एंट्री करेंगे, राज के खाते में जो बैलेंस रिमेनिंग है वो कितना दिखाई देगा, 50,000 करंट बैलेंस। ये 5,000 से खाते में प्लस ही नहीं हुए। देखो ब्याज तो लग गया लेकिन ये 5,000 से खाते में जुड़ा नहीं है, तो आपको पहले 5,000 से खाते में जोड़ने पड़ेंगे, उसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप पहले पेमेंट करेंगे तो चूंकि पेमेंट 50,000 ही करना है टैली के हिसाब से, तो 5,000 एडवांस जमा हो जाएंगे राज के पास। फिर बाद में आपकी रिपोर्ट गड़बड़ आएंगे, रिपोर्ट ऐसी आएंगी कि राज से 5,000 रुपये लेने हैं, जबकि लेना कुछ नहीं, पूरा हिसाब क्लोज हो गया। तो यानी कि हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जब पैसे इंटरेस्ट पे लेते हैं तो उसके बाद पेमेंट करने के लिए जो इंटरेस्ट ऐड हुआ है इसे भी हमें खाते में पहले जोड़ना पड़ता है, और इस खाते में जोड़ने की एंट्री को हम किस में करते हैं, क्रेडिट नोट में। आज का वीडियो इसी बारे में होने वाला है, किस में करेंगे, क्रेडिट नोट में। कब करेंगे? जब हम किसी से पैसा उधार लेंगे और उस पर जो ब्याज लगेगा तो उस ब्याज को अकाउंट में एडजस्ट करने के लिए किस वाउचर यूज करेंगे, क्रेडिट नोट। इसी तरह से अगर हमने किसी को पैसा उधार दिया है, मान लो आपने मोहन को पैसा उधार दिया 20,000 रुपये और ब्याज रखा 10% ही, ठीक, और मान लो 3 महीने बाद वो हमें पेमेंट कर रहा है, तो हम पेमेंट डायरेक्ट रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो 20,000 देगा तो ओके है, लेकिन चूंकि वो 3 महीने का ब्याज भी उसमें ऐड करेगा तो हमें पहले उसका ब्याज इसके खाते में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। और वह एंट्री किस वाउचर में होगी, डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट वाउचर में एंट्री कब करनी है, जब वो ब्याज का पैसा और मूल अमाउंट दोनों दे रहा हो, यानी कि लास्ट में। आपको हर महीने एंट्री नहीं करनी डेबिट नोट में। जैसे एग्जाम्पल में 1 अप्रैल 2024 को मोहन को हमने पैसे उधार दिए 20,000 रुपये। अब मोहन इसे कब दे रहा है, अप्रैल के बाद, मई जून जुलाई में, 1 जुलाई 2024 को। तो जब वो दे रहा है तभी हमें डेबिट नोट में एंट्री करनी है। ठीक है ना। तो उस डेट तक का जितना भी ब्याज होगा वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर मोहन के खाते में जुड़ जाएगा, लेकिन वो तभी जुड़ेगा जब हम डेबिट नोट में एंट्री करें। फिर इसके बाद हम किस वाउचर में एंट्री करेंगे, रिसीव वाउचर में। पैसा आने की एंट्री किस होगी, रिसीव। तो इससे हमें एक बात समझ में आई कि जब भी हम ब्याज पर रुपया उधार देंगे लेंगे तो उसमें 3 वाउचर में एंट्री होगी। पहला, जैसे कि मान लो हम पैसा उधार ले रहे हैं तो रिसीव वाउचर, फिर क्रेडिट नोट वाउचर, और इसके बाद पेमेंट वाउचर। और अगर उधार हम दे रहे हैं तो पेमेंट वाउचर सबसे पहले, फिर उसके बाद कौन सा वाउचर होगा, डेबिट नोट, और फिर होगा रिसीव वाउचर। तो मेरा आपको ये थ्योरी तो समझ में आई होगी। अब इसको हम एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं, जो हमने पुरानी कंपनी थी वहीं से हम स्टार्ट कर। तो देखिए ये आ चुके हैं हम यहाँ पे डे बुक में, हम जाते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने पेमेंट राज, पुरानी एंट्री आप टैली में एक बार प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। तो राज से हमने पैसे रिसीव किए थे 50,000 1 तारीख को, और टैली में देखेंगे आप, देखिए 1 मई हो चुकी है। डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स और इंटरेस्ट कैलकुलेशन। चूंकि हमने पैसा उधार लिया था तो हमें देना, तो पेबल्स में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुझे 1 महीना हो चुका है, 1 अप्रैल को मैंने लिया था और 1 मई है आज, तो टोटल 30 दिन के हिसाब से 5,000 रुपये ब्याज देना है। जैसा मैंने बोला, अगर मैं डायरेक्ट एंट्री करूंगा, एक बार हम करके दिखाते हैं, एक बार वाउचर में जाते हैं F5, और हमने यहाँ पे एंट्री की राज। तो देखिए राज का जो बैलेंस है कितना दिखा रहा है, 50,000। अगर आपने यहाँ पे 55,000 टाइप किया तो फिर वो 5,000 एडवांस में जमा हो जाएंगे, देखिए डेबिट में आ गए, यहाँ पे 0 होना चाहिए बैलेंस। अब ये कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अल्टर में और आपको चूज करना पड़ेगा वाउचर टाइप, और यहाँ पे वाउचर चूज करना है, जैसे मैंने बोला क्रेडिट नोट। अब ये आपको याद रखना है कि पैसे जब भी उधार हम किसी से लेते हैं तो उसके ब्याज का एडजस्टमेंट क्रेडिट नोट पर होता है, और जब देते हैं तो डेबिट नोट पर।
तो क्रेडिट नोट में आने के बाद आपको यहाँ पे बस एक क्लास क्रिएट करनी है। क्लास का नाम रखेंगे हम क्या, सिंपल इंटरेस्ट, या फिर आप इसका नाम रखते हैं इंटरेस्ट, तो जो भी नाम आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। मैं इसका नाम रख रहा हूँ अभी एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, एस आई सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि आगे हम सीखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट भी। ये बोल रहा है क्या इस क्लास को इंटरेस्ट अकाउंटिंग के लिए यूज करना है क्या, उसी के लिए तो हम बना रहे हैं, तो बिल्कुल यस करना है। और देखिए ये आ रहा है इस अमाउंट को कंपाउंड की तरह यूज करना है क्या, नहीं, इसलिए मैंने एस आई लिखा, क्योंकि आज हम एस आई के बारे में बात करें, कंपाउंड का हम अगले वीडियो में बात करेंगे, तो इसलिए इस ऑप्शन को नो रखेंगे और आप इसे करेंगे सेव। कंट्रोल ए दबाएंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे और सेव हो गया। अब देखिए कितना आसान है, बस वाउचर में जाइए, F10 दबाइए और यहाँ पे आप चूज करिए क्रेडिट नोट, और जो क्लास आपने बनाई थी उसका यूज करना है। F10 से हमने क्रेडिट नोट वाउचर चूज किया क्लास के साथ, किससे हमें उसका नाम सेलेक्ट करना है, राज किससे ब्याज लेना है। तो जैसे हम एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे हम एंटर करेंगे तो अपने आप उसका अमाउंट आ जाएगा, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अमाउंट नहीं आया। देखिए सिंपल सा रीजन है, मैंने इसको 1 अप्रैल को पेमेंट दिया था और आज 1 अप्रैल को मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो ये गलत है ना। ब्याज कब कैलकुलेट होगा, 1 महीने बाद। इसको बैक आएंगे, फिर से वाउचर में जाएंगे, F2 दबाएंगे, 1/5/2024। अब मैंने राज को चूज किया, देखिए 1 महीने का ब्याज ऑटोमेटिक आ गया, देख पा रहे हैं आप। एक बार इसको मैं सबको फिर से कैंसिल करता हूँ, एक बार मैं शुरू से एक बार बताता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। प्रैक्टिकली आप बिल्कुल इसको एक साथ कैसे करेंगे वो तो हमने पहले समझने के लिए किया था। तो देखिए राज को मैंने यहाँ पे पेमेंट रिसीव किया 50,000 रुपये, जो कि ब्याज पर था। अब राज मुझे कुछ महीनों बाद पेमेंट कर रहा है, अब कितना ब्याज हुआ ये मुझे पता करना है डायरेक्टली, और उसकी एंट्री भी करनी है। तब आप क्या करेंगे, आप सीधा वाउचर में जाएंगे, F2 दबाएंगे, वो पेमेंट कर रहा है मान लो आपको 1 अगस्त को, ठीक है, आपने 1 अगस्त एंटर किया, क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करनी है आपको, बस ये याद रखना है, यानी कि आप जब उससे पैसे का भुगतान करेंगे पेमेंट में ना करके, सबसे पहले किस में करेंगे, क्रेडिट नोट में, ठीक है ना। क्रेडिट नोट में एंटर जैसे ही करेंगे उसका ब्याज कैलकुलेट हो जाएगा और फिर आप उसका पेमेंट कर देंगे, सिंपल। तो मैंने क्रेडिट नोट पर जैसे ही एंटर दबाऊंगा तो उसका अभी तक का कितना ब्याज होगा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए ये अपने आप आ चुका है 20,333 रुपये। और अब यहाँ पे हम खाता क्रिएट करेंगे, कौन सा खाता क्रिएट करेंगे, इंटरेस्ट का, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो हम पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट पेबल या इंटरेस्ट पेड, तो इंटरेस्ट पेबल या इंटरेस्ट पेड नाम से खाता बना देंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखेंगे, देखिए पेबल का मतलब होता है पे करना है और पेड का मतलब कर चुके, पेबल में करंट लाइबिलिटीज आता है और पेड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी मैंने पेबल में डायरेक्ट एक्सपेंस कर दिया, बट ये भी ओके है, लेकिन आप इस चीज का डिफरेंस जरूर याद रखें। और इसको करेंगे सेव, ठीक। अब आप क्या करेंगे, फाइनली पेमेंट करेंगे राज को, तो आप देखेंगे उसका ब्याज का अमाउंट जुड़ के अब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। और आप 70,333.33 रुपये, और देखिए इसका बैलेंस 0 हो गया और आप कैश पेमेंट कर देंगे सेव। अब इस ट्रांजेक्शन में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, जैसे डिस्प्ले में जब आप जाएंगे अकाउंट बुक्स में तो आपने कितना ब्याज दे दिया, अगर वो पता करना है तो आप इंटरेस्ट पेबल्स में जाके चेक कर सकते हैं। तो आपने 20,000 का ब्याज दे दिया और राज का हिसाब क्लियर है क्या नहीं वो भी आप पता कर सकते हैं। कैसे, बस आपको सिंपली यहाँ पे एंटर करना है राज, एंटर, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्रेडिट नोट में इंटरेस्ट पेबल 20,000 का हुआ था और 70,000 का पेमेंट हमने उसको कर दिया। अल्टर F2 दबाएंगे, 1 अप्रैल से लेके 1 अगस्त तक का, तो सारा ट्रांजेक्शन आ जाएगा। देखिए 50,000 का हुआ, इसे 20,000 ब्याज लगा और हमने यहाँ पे टोटल उसको पे कर दी 70,000 रुपये। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से टैली के अंदर डेबिट क्रेडिट नोट वाउचर में इंटरेस्ट देने की एंट्री कर सकते। इसी को आप उल्टा कर देंगे तो एंट्री किस में हो जाएगी, हमारे डेबिट नोट वाउचर में। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे पैसा हमें देना है पेमेंट में लोन पे, फिर उसके बाद एंट्री डेबिट नोट में करनी है और फिर रिसीट में एंट्री करनी है उस डेट का। बस डेट का ध्यान रखें, सब कुछ अपने आप सही हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। इसके सारे नोट्स आपकी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं, हमने अपनी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दिए, प्लस इसकी बुक भी है जिससे हम ये सारा कवर कर रहे हैं। तो इस तरह से आप सिंपल इंटरेस्ट की एंट्री टैली में इजीली कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। इसके सारे नोट्स वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी,
प्लस इसकी बुक भी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, अगर आप चाहें तो बुक भी इसकी ले सकते हैं। ये पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिसके हम इससे पूरा क्लास अटेंड कर रहे हैं। ये पूरी सीरीज है, एक से लेके अभी शायद 21वां वीडियो होगा इस सीरीज का। पिछले वीडियो आपने नहीं देखे तो जरूर चेकआउट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।